इन्वेस्टर, कल आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि रियल इस्टेट में जो मिडिल इनकम लोगों के जो होम्स हैं एंड लोअर क्लास लोगों के होम है उसमें 16% गिरावट हुई है। बट यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने अपर हायर मैनेजमेंट के लिए जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर कोविड में स्टैम्प ड्यूटी कम था तो उनको काफ़ी अच्छी ऑफर मिली थी। तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनी ने इन्वेस्ट किया है रियल इस्टेट में फॉर देयर हायर मैनेजमेंट। जैसे कि देखेंगे कि रसना कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है रसना, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 10 करोड़ का घर लिया जीहू में। देन अनदर कंपनी है पुणे वाला एविएशन, पुणे बेस्ड कंपनी, उन्होंने भी अपने मैनेजमेंट के लिए 12 करोड़ का घर लिया है मुंबई में। देन पार्ले बिस्किट में भी ऑल्सो 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बुक किए हैं अपने अगर हायर मैनेजमेंट के लिए। सो यहाँ पे जो मेन की है कि रादर देन इंडिविजुअल कंपनी के नाम पे अगर घर से रजिस्टर्ड होता है या कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ा बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू इंडिविजुअल अगर कोई घर लेता है तो। ऑल्सो यहाँ पे दूसरा एक एडवांटेज है कि अगर कंपनी बिक जाती है या अगर कंपनी को बेचना है तो जस्ट वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट पेइंग दी स्टैम्प ड्यूटी। तो वन कंपनी टू अनदर कंपनी जस्ट दे कैन ट्रांसफर दी ओनरशिप विदाउट पेइंग एनी स्टैम्प ड्यूटी। तो अगेन कंपनी को प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसमें भी कंपनी को फ़ायदा ही होता। तो ये जो बेनिफिट दिया गया था रियल इस्टेट प्रमोट करने के लिए ये तो लोअर इनकम और मिडिल क्लास के लिए गया था, बट इसका फ़ायदा बड़े कॉर्पोरेट्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने उठा लिया है। तो इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी थी दूसरों के लिए पर किसी दूसरे ने ग्रैब कर ली है। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे अच्छा खासा रियल इस्टेट में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई दिया है, बट अगेन जो मिडल एंड लोअर क्लास पीपल है वो थोड़े स्ट्रगल में है रियल इस्टेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच।